हां जी, तो राम राम सारे ने। और उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो गए। आप सबका स्वागत अपने एक और नए व्लॉग में। और मैंने आज व्लॉग शुरू कराया है, दोपहर के 1 बज रहे हैं। आज मैं आप गले एक रेसिपी शेयर करूंगी, मैं बना के देखूंगी गजक। किसी को बनाएगी देखियो आप भी, और वीडियो ना लास्ट तक देखियो। चलो तो बनाऊंगी। धनतेरस पर हमने यह खरीदारी करी है भी, जो चांदी का सिक्का खरीदा है। नू कया करे अगर धनतेरस ना चांदी खरीदी उड़ी अच्छी होया करे, तो मैं भी खरीद लिया ये गणेश और लक्ष्मी। लाद लाद भी दिए हो तुम्हारा सड़ गया था सिलेंडर, ये भी लिया है, ये भी लगाया है। यो तेज गाम लग है। तो यह ले लिया अपन कढ़ाई या गरम करके, फिर इसमें ये सीधी मूंगफली केड़नी है। मूंगफली करनी है अपन ने रोस्ट, मूंगनी है ये इनका ये जो ऊपर का छिलका है, जिस तरह फिर ये उतर जाए वो मूंगे पाते हैं। गजरी ये वह दिन लिया है, वह कोई लिया है वो मैं दादा ले आयो है। और इन मूंगफलियां ने मैं लगातार चलानी है, ये छोड़नी नहीं है, नहीं तो ये देखो मैंने मैं छोड़ के ना चलगी 2 मिनट भी काली हो गई, आधी आधी जलगी। लेना लगातार इस चम्मच की सहायता कर दे रहा, फिर ये जला करेंगे। तो ये मूंगफली भुन गई है अपनी, ये बिना
मसल मसल के इनका यो छिलका तालना है, तो ये थोड़ी गर्म है, इसमें बनाओ इतने गुड़ की चाशनी। गुड़ कूट लिया, फोड़ लिया है अपन इसकी डोरी सी, क्योंकि भी जल्दी पिघल जाएगा जमा जल्दी। गेट दिया इसमें, गेट दिया, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा भी देखना है गेट में, ताकि आसानी से पिंग हो जाए गुड़। इतना पानी तो आधा गिलास गेड़े इतना बोलना, भी अपनी चाशनी बने इतना इनका छिलका उतार लिया मूंगफलियां का। देखो अपनी चाशनी बनाया है,
पांच सात मिनट माहौल बन जाएगी है, जमा हुआ बनानी है जुकर। इस पानी में गिड़ दे, इसकी गांठ बन जैसी बनानी है। देखो ये अपनी गुड़ की चाशनी भी बनेगी, जमा तैयार है या। इसमें पानी में गिड़ के देखी या जम गई नीचे, ये इसके छिलके उतर गए, इतनी उतरी मेरे को नहीं पड़ी रहा हूँ छिलके, तो भी इसने मिक्स कराने में कोई नहीं। इसमें गुड़गड़ा पड़ गया, थाली में डाल दिया थोड़ा सा घी, सारा फैला लिया ताकि अब उतारा जाए। बेरोनी यह इसमें काट दी सारी थाली में, यह थोड़ी सी देर में काट देंगे, फिर ठंडी होने देंगे। टीवी तक किसी बनी है पता नहीं यहाँ पे कटेगी बन तो बनगी है अपनी गजक। ये हमने काट रखी है जब दिखा या नू बड़ खाबड़ खाई बाद बताओ किसी बनी है किसी नहीं।